गर्ल गर्ल पोस्टर नी न्यू फॉर हर दीपा कर्माकर वेलकम बैक एंड मैनी कंग्रेचुलेशन फॉर योर अचीवमेंट पहले तो आप ये बताइए कि अभी क्वालिफिकेशन हो गया इवेंट में आपको मेडल भी मिल गया अभी भी सब कुछ सपना लग रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ ये सब सच हुआ है नहीं सच है क्योंकि मैंने ऐसा एम लेके गई थी कि मुझे right. ऐसा करना है hmm. ग्लासगो uh, में भी आपका एक हिस्ट्री uh, था उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो भी ग्लासगो में था जब फाइनल में पहुंची थी आप सो ईच टूर्नामेंट में आपका एक ना एक माइल रहा है उसमें वेयर डज दिस स्टैंड ये कितना स्पेशल है ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए इसीलिए क्योंकि मेरा दोनों दिन कंपटीशन अच्छा गया और दोनों दिन मैंने चारों पहला दिन चारों इवेंट था नेक्स्ट डे फाइनल था उसमें मैं दोनों दिन नो फॉल सेट निकाला Um, and your uh, final, me the fact that you beat the Olympic and the world champion, us, uh, how, yeah, yeah, how is that more uh, you know, uh, part of your achievement? आपको पता होगा जो ओक्साना है उनकी एज फोर्टी इयर्स की है उसका साथ ही ओलंपिक हो गई है इसने भी क्वालिफाई किया तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि लास्ट 2014 में जो एशियन गेम्स हुआ था उसने सिल्वर लिया था मैं फोर्थ प्लेस में आ गई थी तो थोड़ा सा तो दुख लगा था पर इस बार मैंने वो उसको बीट कर पाई तो मुझे बहुत खुश हुई क्योंकि सब वहाँ पर ओलंपिक क्वालिफिकेशन एक अच्छे स्टैंडर्ड अच्छे परफॉर्मेंस से गई क्योंकि हमें अच्छा बेस्ट देना है और वहाँ पर मैं जाके ओक्साना को बीट किया तो मुझे खुशी हुई बहुत Uh, आपके साथ आपका कोच है आप इनको भगवान मानते हैं uh, नंदी सर आपको भी बहुत बहुत मुबारक नाउ ऑफ़ एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट जो प्रोड्यूनोवा जो बहुत ही कम जिमनास्ट अटैम्प्ट करते हैं पहली बार जब आपने सोचा प्लान किया कि ग्लासगो के पहले इसको अटैम्प्ट करे मन में क्या डर था बिकॉज इट्स वेरी रिस्की नहीं डर तो था हुँ. लेकिन वो जो डर था उसको मतलब समझने नहीं, नहीं दिया तो <coughs> हमने प्रैक्टिस कराना शुरू कर दिया फॉर्म फिट में ही शुरू शुरू किया प्रैक्टिस कराते करा कराते 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 देखा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया तो एक दिन हमने ऊपर ले आया उसको मैंने कहा चलो ऊपर कराते तो ऊपर कराने से पहले हमारा जो चीफ कोच था डॉक्टर गोदल सिंह बाबा उनका भी मैंने ये लिया फिर हमारा प्रोजेक्ट ऑफिसर वो भी जिम्नास्ट था उनसे भी परमिशन लिया परमिशन परमिशन ले ना उसको ऊपर कराया तो एक दिन जब ऊपर कराया तो देखा उसका सही से आ रहा है तो फिर हमने कॉन्फिडेंट हो गया कि अब बस अभी कंपटीशन में उसको कराना है बस उसी हिसाब से चला थोड़ा बहुत कामयाब हो गया सर इसको ना बहुत इजी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है कितना डिफिकल्ट है और यहाँ ट्रेन करना और कंपटीशन में करना इज़ वेरी डिफरेंट तुम्हें कभी डर लगता है कि इससे सीरियस इंजरी हो सकता है नहीं नो no? नहीं नॉट अट ऑन नॉट एट ऑल ओके ओके एक और बात अभी तो ओलंपिक्स ओलंपिक्स का टिकट बुक हो चुका है अभी भी कुछ सेलिब्रेशन हुआ है कि नहीं कि घर जाके होने वाला है हाँ हमने किया लास्ट डे थोड़ा सा वहाँ पे वो जो जिसर्स क्राइस्ट है उसके सामने गई थोड़ा घूमे रियो पे अभी घर जा रही हूँ मैं कल घर जाके थोड़ा सा होगा अभी तो ज़्यादा फोकस प्रैक्टिस और रियो वापस जाना है हाँ. तो उसके लिए खास अभी क्या प्रेपरेशन होगी आपको टीओपी स्कीम से भी आ, फंडिंग मिली है अब प्लानिंग स्टेजेस में क्या करेंगे मुझे कुछ नहीं पता आप सब कुछ <laughs> तो सर आप आप बताइए थोड़ा सा नाउ दैट फंडिंग का मनी हैज बीन रिलीज अभी अवर अराउंड थ्री मंथ्स है नाउ व्हाट इज द स्टेप गोइंग टू बी एक्चुअली अभी कल या परसों तो हम घर जा रहे हैं उधर से आने के बाद हमारा प्रोजेक्ट ऑफिसर उनसे बैठेंगे हमारा जीप कोस है उनसे भी बात करेंगे सब मिलके बात करके जो अच्छा होगा उसी प्लान पे चलेंगे ओके एंड फाइनली जितना बिकॉज ऑफ योर सक्सेस यहाँ पे जो रिस्पांस मिला है आपको uh, बच्चे भी गए थे एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने uh, बहुत सारा प्रेस कवरेज मिला है